Hi dear friends, assalamu alaikum. Welcome back to BTP Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे support करने के लिए और मेरी videos को like करने के लिए. Guys, इस video में मैं एक horror thriller movie Skinwalker का खुलासा करूँगी. Skinwalker release हुई August 4, 2020 में. IMDb पर Skinwalker को मिले हैं 7.3 stars out of 10. Okay guys, let's go to reveal the movie. मूवी के बिगनिंग में दिखाते हैं एक फ्रेजिल वुमेन रिजीन. रिजीन अपने बॉयफ्रेंड जेकब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी. रिजीन बहुत ही चिड़चिड़ी और गुस्से वाली वुमेन थी. उसका कोई फ्रेंड नहीं था. वो लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखती थी. एक दिन वो घर आती है. जेकब उसे बताता है कि उसका भाई उससे मिलने आया है, जिस पर रिजीन कहती है कि वो मर गया है. उस आदमी का नाम रॉबर्ट होता है. रॉबर्ट रिजीन को बोलता है, तुम्हारा भाई आइसिक जिंदा है और आइसिक मेरी औलाद थी. तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी आइसिक को ढूंढने में. रिजीन अपनी मदर रोज से मिलने जाती है मेंटल असाइलम. रिजीन अपनी मदर से कहती है कि वो घर वापस जा रही है. रिजीन अपने घर पहुँचती है. वो अपने पूरे घर को देखती है. एक फ्लैशबैक में जब रिजीन 6 साल की थी आइसिक पैदा हुआ था. उसी वक्त रिजीन की जालिम और मगरूर ग्रैंड मदर आइसिक को मारने के लिए जा रही थी, क्योंकि आइसिक उनका वारिस नहीं था. रोज रिजीन के फादर क्लॉस और रिजीन को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है रॉबर्ट के पास. इन प्रेजेंट क्लॉस रिजीन को बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है. क्लॉस चाहता था कि रिजीन अपनी ग्रैंड मदर के फिनरल के फौरी बाद ही यहाँ से चली जाए. फ्लैशबैक में रिजीन देखती है कि आइसिक को क्लॉस और ग्रैंड मदर कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि आइसिक का वजूद शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था. इन प्रेजेंट रॉबर्ट का मानना था कि आइसिक जिंदा है और उसने अपनी ही ग्रैंड मदर को बेरहमी से मारा है. रिजीन जाती है रॉबर्ट से मिलने उसके प्लेस. रिजीन को भी लगता था कि उसका भाई जिंदा है. रॉबर्ट रिजीन को रात में ग्रैंड मदर के बुटीक बुलाता है, क्योंकि वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट था जिसके बारे में रिजीन को जानना बहुत ज़रूरी था. नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि रिजीन की ट्रीटमेंट चल रही है. फ्लैशबैक में रिजीन के डॉक्टर ने रिजीन का रेप किया था और वो अपने थेरेपी में डेली रेप का शिकार रहती थी. इन प्रेजेंट रात में रिजीन बुटीक जाती है. रॉबर्ट उसे एक खून से भरा हुआ हैमर बताता है. रॉबर्ट रिजीन को यकीन के साथ कहता है कि आइसिक ने ग्रैंड मदर को मारा है. रिजीन की मदर ने रिजीन को कहा था कि आइसिक वापस आएगा उससे मिलने, लेकिन रिजीन को आइसिक को ढूंढना होगा और अपने ब्रदर को बचाना होगा. रिजीन जाती है रॉबर्ट के घर. रिजीन को रॉबर्ट अपनी तरफ माइल कर रहा था. नेक्स्ट डे ग्रैंड मदर के फिनरल पर रिजीन को ऐसे विजन आते हैं जैसे उसकी ग्रैंड मदर उसका गला दबा रही हो. वो पागल हो जाती है और फॉरेस्ट की तरफ भागती है. फॉरेस्ट में जब रिजीन की आँख खुलती है उसे आइसिक मिलता है. आइसिक का कहना था कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है. रिजीन आइसिक को बताती है उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन आइसिक बोलता है कि रॉबर्ट को सब मालूम था, वो अच्छा इंसान नहीं है. उतनी देर में रॉबर्ट क्लॉस के घर आता है. आइसिक रॉबर्ट को कैदी बना लेता है. इन फ्लैशबैक रिजीन बेसमेंट में जाती है आइसिक को देखने. आइसिक की शक्ल नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी, वो देखने में एक मॉन्स्टर की तरह था. इन प्रेजेंट रिजीन जाती है रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड याना के घर, जो रिजीन की स्कूल फ्रेंड भी थी. वहीं आइसिक उसे बोलता है कि याना को सब मालूम है, वो सबको बता देगी, मार दो उसे. यहाँ आइसिक रिजीन को रॉबर्ट को मारने के लिए कहता है. रिजीन रॉबर्ट को मार देती है. क्लॉस घर वापस आता है. क्लॉस रिजीन से कहता है कि उसे सब पता था जो भी रिजीन ने किया. आइसिक सिर्फ उसके माइंड में है. रिजीन क्लॉस को छुरा घोप देती है. इन फ्लैशबैक रिजीन आइसिक को बेसमेंट से लेकर जाती है और आइसिक को कुएं में फेंक देती है. इन प्रेजेंट पुलिस क्लॉस के घर आती है. क्लॉस वहाँ डेड पड़ा हुआ होता है और रिजीन वहाँ से भाग जाती है. 2 साल बाद रिजीन के हाथ में एक बेबी होता है
और साथ वहाँ जेकब भी होता है। जब रिजीन वॉशरूम से बाहर आती है, जेकब और बेबी दोनों गायब थे। रिजीन रूम से भागती है। अनफॉर्चुनेटली वो जगह मेंटल असाइलम थी। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील दी एंडिंग। जब आइसिक पैदा होता है, वो कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं था। रिजीन की जालिम ग्रैंड मदर को अपनी इज्जत की पड़ी हुई थी। अगर आइसिक हमारी सोसाइटी में आया तो उन सबकी इज्जत खराब होगी। आइसिक क्लॉस का ही बेटा था और क्लॉस को अपने न्यू बॉर्न बेबी से कोई शिकवा नहीं था, बल्कि खुद क्लॉस अपनी मदर के बिहेवियर से परेशान था। इसीलिए क्लॉस ने अपनी मदर का मर्डर किया, क्योंकि उसका मानना था उसकी मदर की वजह से क्लॉस और रिजीन की लाइफ खराब हो गई और उसकी बिलव वाइफ रोज भी उससे दूर हो गई। रिजीन ने आइसिक को इसी वजह से मारा क्योंकि आइसिक की वजह से रोज रिजीन से दूर चली गई और उनके घर का माहौल भी काफी खराब था। इसी वजह से रिजीन ने आइसिक को कुएं में फेंक दिया। रिजीन की ग्रैंड मदर ने रिजीन को मेंटल हेड ट्रीटमेंट करवाया, जहां डॉक्टर ने रिजीन का रेप कर दिया। उसकी हालत और नाजुक हो गई। इसी कश्मकश में रिजीन को आइसिक की हेलोसिनेशन आती थी और रिजीन ने जिससे कत्ल किया वो अपनी भड़ास निकालने के लिए थे। जहां तक क्लॉस का कत्ल हुआ, क्योंकि क्लॉस को सब मालूम था कि उसकी मदर रिजीन और रोज पर जुल्म करती हैं, लेकिन वो चुप रहा। रॉबर्ट का कत्ल इस वजह से हुआ क्योंकि रॉबर्ट ने रोज को चीट किया था। इसी वजह से वो मेंटल असाइलम चली गई और याना को इसलिए मारा क्योंकि वो रिजीन के डॉक्टर की वाइफ भी थी। इसी वजह से वो पुलिस को सब बता देती। बात रही मूवी के लास्ट सीन की, रिजीन को हमेशा से ही बेबीज पसंद थे। उसने और जेकब ने ये प्लानिंग भी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो पागल हो गई। शायद रिजीन का गिल्ट उस पर हावी हो गया। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाय को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।